पलामू के हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी समर्थित विनोद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा विनोद सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है। पिपरा सहित कई गांव में उन्होंने ये जनसंपर्क किया और कशिश से बातचीत में जीत का दावा किया। रिश्ता टूटने के बाद हुसैनाबाद सीट की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने पर्चा भरा है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। इस वक्त खुद हमारे साथ विनोद जी हैं, जो कि जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अंगूठी छाप मिला है आपको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को ये समझाने के लिए कि आप भाजपा के उम्मीदवार हैं? बहुत कम मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि लोग यहाँ के लोग वाकिफ हैं और न्यूज आपके बस्तर से सभी जगह इन लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर इन लोग वोट देंगे अंगूठी में तो जाके चोट करेगा कमल में। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कामों का लाभ आपको ही मिल रहा है, हालांकि आप भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन जिस वक्त आपने नामांकन किया था उस दिन भी जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि पार्टी के निर्देश पर ही आपने किया है। अब जब समर्थित उम्मीदवार आप हो गए, किस तरह की लड़ाई को आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है? देखिए, हम थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रहेंगे ही, और कहीं से इसमें किंतु परंतु नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है। आप इतने दूर से घूम के आ रहे होंगे, आप भी सर्वे कराए होंगे, भारतीय जनता पार्टी से किसी पार्टी का टक्कर नहीं है, कोई है ही नहीं। एक दल दो दल वाले को क्या है, कोई पूछे? जनता जान रही है कि इन लोग जाएगा तो फिर लूटेगा, इसलिए इन लोग जान रहा है कि मेरा वोट देना वो बेकार देना है, इसलिए इन लोग मन बना लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। लेकिन जो आपके पुराने साथी थे आजसू, उनके प्रत्याशी जो सिटिंग MLA शिवपूजन मेहता जो है, वो उस दल से लड़ रहे हैं, कितना उन्हें आप चुनौती मानते हैं? उनका कोई चुनौती नहीं है, उनकी गिनती जो है नीचे से होगी, वो लाइन में कहीं नहीं है, नीचे के लाइन में है वो आपके जनता के आह्वान से ही आपको पता चल गया होगा कि वो कहाँ पे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी 19 साल के रिश्ता को निभा रहा था, मगर उन्होंने निभाया नहीं। अगर निभाता तो कुछ ऊपर उठ सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे। जाहिर सी बात है, बीजेपी का लाभ आपको मिल रहा है, तो अब इस बार कौन सा जो मुद्दा है, इस बार क्या वादा आप लोगों से कर रहे हैं हुसैनाबाद के लिए खासकर? ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री की बात हो या फिर सिंचाई का जो मामला हो, ऐसे कई मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी विकास कर रही है। इस गांव में मैं जहां भी खड़ा हूं, ये बहुत मैंने समझे कि पलामू जिला के रूरल एरिया में ये है, ये पिपरा प्रखंड है, वहां मधुबाना में मैं अभी खड़ा हूं। एक समय था कि यहां लोग 12 बजे दिन में नहीं आते थे, यहां के लोग सारे लोग बताएंगे कि 12 बजे दिन में नहीं आते थे, और आज मैं अभी यहाँ 6 बजे शाम के आपके सामने हूँ। तो सबसे बड़ा भाजपा का, इन लोग भी जानते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ से खत्म किया वो उग्रवाद था, जिससे आज लोग अमन चैन में हैं, कहीं कोई डर भय मुक्त हैं, माने दबाव नहीं है, दिक्कत तो नहीं। पहला तो ये है। दूसरी चीज, जो पार्टी हमारा विकास कर रही है वो ऐसे चलेगा, मगर यहाँ के जो अहम मुद्दा है उस मुद्दे पर इन लोग गाँव वाले से बैठ कर हम बात करेंगे। जैसे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है सिंचाई का, एक बांध है, तो हमारी पूरा कोशिश रहेगा कि उस बांध को बनवाने के लिए जो यहाँ के लोग के कम से कम 200 गांव का उससे पटवन का व्यवस्था है, जो इससे पटवन हो सके, क्योंकि यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं। तो हमें चाहूँगा कि वो बांध बना जाए, तो इन लोगों को मैंने बांध होने से, सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से यहाँ उपजाऊ जमीन है, इन लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। सारी जनता, साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले, धान बेचे गेहूँ बेचे तो अधिक से अधिक कीमत मिले, कि जो इनने की मेहनता है उससे ज़्यादा इनको और हौसला बढ़े कि और अच्छा पैदावार करें। तो ये थे विनोद कुमार सिंह, हुसैनाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्हें की भाजपा का भी समर्थन प्राप्त है और इनका ये मानना है कि